हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता और आज मैं बात करूंगा बाउंस रेट और पोको स्टिकिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं SEO के अंदर जिससे सर्च इंजन को सिग्नल जाता है कि इस वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है या जो भी मैटर है, जो भी रिसोर्सेज आपकी वेबसाइट पर प्रेजेंट है, क्या वो अच्छे हैं या नहीं है। तो ऐसे ही कुछ सिग्नल हैं जो बाउंस रेट और पोगो स्टिकिंग कहे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं, इससे आपको ये पता चलता है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आने के बाद कहाँ कहाँ अनहैप्पी है। उन कस्टमर का आपको पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो आपसे अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि वही आपको बताते हैं कि आपके सिस्टम में क्या परेशानी है। तो पहले बात करते हैं बाउंस रेट की। इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स दैट लीव अ वेब पेज विदाउट टॉकिंग एन एक्शन सच एज क्लिकिंग ऑन अ लिंक, फिलिंग आउट अ फॉर्म और मेकिंग अ परचेज। दोस्तों, अगर कोई यूजर सर्च इंजन पे उसने क्वेरी लिखी और फिर उसके सामने रिजल्ट आए सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे और वो आपकी वेबसाइट पे आ गया और उसके बाद उसने उस वेबसाइट पे आके कोई एक्शन नहीं लिया, उसने बस कंटेंट पढ़ा थोड़ा बहुत या नहीं पढ़ा और वो वहां से एग्जिट हो गया, इसका मतलब यह है कि आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, यानी यूजर आपकी वेबसाइट से बाउंस हो गया, वो किसी और वेबसाइट के पास चला गया रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को ढूंढने जो उसको आपकी वेबसाइट पर नहीं मिली थी। तो दोस्तों, बाउंस रेट आपको इस हिसाब से रखना है अपनी वेबसाइट पे कि यूजर्स को परेशानी ना हो और सर्च इंजन्स को भी सिग्नल मिले कि इस वेबसाइट का बाउंस रेट इतना है तो इसको रैंक किया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों ड्वेल टाइम। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट ए गूगल सर्चर स्पेंड्स ऑन ए पेज फ्रॉम द सर्च रिजल्ट बिफोर रिटर्निंग बैक टू द सर्च। वो टाइम जो यूजर स्पेंड करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आने के बाद, वो किसी वेबसाइट पर क्लिक करेगा और वेबसाइट पर क्लिक करके वो वेबसाइट के अंदर जाएगा और वहां पे उस कंटेंट को रीड करेगा। तो जितना समय वो वहां गुजार रहा है उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम और उसके बाद वो फिर से सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे वापस आ जाता है। ड्वेल टाइम जितना ज्यादा हुआ उतना आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए भी। तो आई होप आप बाउंस रेट समझ गए होंगे। बाउंस रेट का मतलब ये है कि कितने लोग टोटल आपकी वेबसाइट पे आए और कितने लोग ऐसे थे उनमें जो केवल एक पेज को विजिट करके वहां से एग्जिट कर गए, उसका जो रेशियो है वो है बाउंस रेट। अब दोस्तों, फॉर्मूला क्या है बाउंस रेट के लिए? दोस्तों देखिए, जहां रेट आता है वहां परसेंटेज आती है। तो सिंगल पेज विजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेबसाइट विजिट्स इनटू 100% इज इक्वल टू बाउंस रेट। सिंपल सा फॉर्मूला है, कई सारी जगह आपको मिलेगा नहीं ब्लॉग्स में भी, लेकिन मैंने ये बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं पोगो स्टिकिंग की। ये बहुत खराब चीज होती है, शुरू में ही मैं बता रहा हूँ आपको, पोगो स्टिकिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी वेबसाइट पे। पोगो स्टिकिंग इज व्हेन सर्च इंजन यूजर विजिट सेवरल डिफरेंट रिजल्ट इन ऑर्डर टू फाइंड अ रिजल्ट दैट सेटिस्फाइज देयर सर्च क्वेरी। कोई भी यूजर ने गूगल के सर्च इंजन पर क्वेरी लिखी तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट रिजल्ट को ओपन करेगा। इस बात के चांसेस ज्यादा है कि वो फर्स्ट रिजल्ट को ओपन करेगा। अब उसने फर्स्ट रिजल्ट ओपन किया, उसको कुछ नहीं मिला, उसकी इंटेंट पूरी नहीं हुई वहां से, उसको वो काम की चीज नहीं मिली, वो क्या करेगा, वापस आएगा फिर सेकंड रिजल्ट को ओपन करेगा, वहां पे भी उसको उसके ढंग की चीज नहीं मिली तो वो क्या करेगा, वापस सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आएगा। तो ये जब काम होता है ना, जैसे पोगो स्टिकिंग जब बच्चे करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा खराब होती है किसी भी वेबसाइट्स के लिए। ये अच्छा सिग्नल नहीं है, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है और सर्च इंजन तो इसको बहुत ही गलत फैक्टर मानते हैं। तो पोगो स्टिकिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी वेबसाइट पे। जैसा कि यहाँ आप इमेज भी देख रहे हैं, जो फर्स्ट रिजल्ट देखा फिर वहां पे क्रॉस है, फिर वो सेकंड रिजल्ट पे आया फिर क्रॉस है, फिर वो थर्ड रिजल्ट पे आया, फिर वो फोर्थ रिजल्ट पे जब आया तब जाके उसकी क्वेरी सॉल्व हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गूगल जो फर्स्ट रैंक कर रही है वेबसाइट उसको एक पायदान नीचे लेके आता है, क्योंकि उसको लगता है यार पोगो स्टिकिंग हो रही है, यानी यूजर्स को वहां पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये अच्छा सिग्नल नहीं है, तो वो उसको डाउन कर देता है। पोगो स्टिकिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट यूजर्स आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। पोगो स्टिकिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, इससे आपको ये पता चलता है कि यूजर्स हैप्पी नहीं है रिजल्ट से। आपको तो पता चलेगा ही दोस्तों, और गूगल सर्च इंजन को भी पता लग जाएगा ये कि इस वेबसाइट से लोग खुश नहीं है, तो इसकी रैंक को वो डाउन कर देगा, क्योंकि गूगल किसी भी केस में अपने जो यूजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस खराब नहीं होने देगा। अल्टीमेटली गूगल का गोल ही यही है कि जो भी यूजर एक्सपीरियंस है मेरे लिए, मतलब गूगल सर्च इंजन के लिए, वो अच्छा रहे। गूगल ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट पोगो स्टिकिंग। तो दोस्तों, इस चीज में गूगल आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें गूगल का ही फायदा है। जो रिजल्ट आ रहा है वो गूगल पे तो आ रहा है, अगर गूगल पे सही रिजल्ट नहीं आएंगे तो गूगल का भी यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि गूगल कैसे ट्राई करता है कि पोगो स्टिकिंग से बचा ले वो किसी भी वेबसाइट को। एक लाइव एग्जाम्पल से मैं शो करता हूँ आपको,
तो दोस्तों यहाँ गूगल का सर्च इंजन ओपन है। अब मैं यहाँ पे कोई भी क्वेरी डालता हूँ, जैसे मैं अभी पोगो स्टिकिंग की बात कर रहा था, मैं वही लिखता हूँ, पोगो स्टिकिंग। अब मेरे सामने रिजल्ट आ रहा है, पहला दूसरा। तो मैंने ये रिजल्ट ओपन किया, ये वेबसाइट ओपन हो गई, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, और मैं इसको बैक कर दूंगा, मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। तो दोस्तों आप देखेंगे ये जो रिजल्ट था फर्स्ट वेब मार्केटिंग का, वो चेंज हो गया। नीचे यहाँ लिखा रहा है पीपल आल्सो सर्च फॉर पोगो स्टिकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, पोगो मीनिंग, व्हाट इज पोगो स्टिकिंग, सबवे सर्फर्स, एसईओ मीनिंग और ड्वेल टाइम। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ पोगो स्टिकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ जो सर्च क्वेरी है वो बदल गई। तो गूगल चाहता है कि जो पोगो स्टिकिंग हो वो कम से कम हो। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज और पता लगती है कि जो भी क्वेरी लिखी थी मैंने, जैसे पोगो स्टिकिंग लिखी थी, तो हो सकता है यूजर ने क्वेरी ही गलत लिख दी हो। तो इसके लिए भी गूगल हमें सजेशन देता है पीपल आल्सो सर्च फॉर, ताकि यूजर क्वेरी लिखे तो उसके सामने रिजल्ट बदल जाए और उसको वो रिलीवेंट रिजल्ट मिल जाए जिसके लिए उसने सर्च इंजन में क्वेरी लिखी थी। तो पोगो स्टिकिंग जो होती है दोस्तों, वो दोनों ही लोगों के लिए खराब होती है। दोनों ही लोगों से मेरा मतलब है, आपकी वेबसाइट के लिए तो है ही है वो, और वो गूगल सर्च इंजन के लिए भी खराब होती है। अब दोस्तों बाउंस रेट की इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं। अभी आपको ये लग रहा होगा कि अगर ज्यादा बाउंस रेट है तो वो खराब है, कम बाउंस रेट है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जितने भी मिथ हैं बाउंस रेट के बारे में वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस ट्यूटोरियल के एंड तक। तो पहली जो इंपॉर्टेंस है वो ये है दोस्तों, यू कैन इंक्रीज कन्वर्जन रेट बाय ऑब्जर्विंग बाउंस रेट। जितने ज्यादा बाउंसेस होंगे दोस्तों, उतना ज्यादा कन्वर्जन रेट भी इफेक्ट होगा, क्योंकि जब लोग आपकी वेबसाइट पे कोई एक्शन ही नहीं लेंगे तो वो कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो जब आप बाउंस रेट को देखना शुरू करते हैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, तब आप वहां से एक्शन ले सकते हैं और अपने कन्वर्जन रेट को सुधार सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है वो दोस्तों ये है, अफेक्ट गूगल रैंकिंग्स। बाउंस रेट गूगल रैंकिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये सिग्नल है जो सर्च इंजन को मिलता है और वो आपकी वेबसाइट को उसी तरीके से रैंक कराते हैं। इट टेल्स अबाउट यूजर एक्सपीरियंस, इश्यूज विद कंटेंट एंड कंटेंट लेआउट। आपकी वेबसाइट पे वो क्या क्या चीजें हैं जो बताएगा बाउंस रेट, एक तो बताएगा यूजर एक्सपीरियंस, दूसरी चीज इश्यूज क्या है कंटेंट के साथ, और जो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे उसका लेआउट कैसा है, खराब है या अच्छा है। अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये इमेज देखेंगे तो ये ग्राफ है एवरेज डोमेन रेटिंग वर्सेस गूगल पोजीशन। तो बाउंस रेट आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पे है उसका कितना है, लगभग 0.4 से 0.45 के बीच है, 0.425 है। और जो 10th पे है दोस्तों, उसका बाउंस रेट कितना है, 0.5। तो दोस्तों ये जो अंतर है ना, ये अभी आपको कितना लग रहा है, 0.05 का अंतर लग रहा है दोस्तों, और ये अंतर बहुत बड़ा है, 0.05। अगर मान लीजिए किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1 लाख है, और अगर 50,000 बार भी आपकी वेबसाइट इंप्रेशन क्रिएट कर रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो दोस्तों ये जो अंतर है 0.05 का, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई थिंक आप सब लोगों को मैथ तो आती होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उस चीज को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो सर्च इंजन को सिग्नल देती हैं, और अगर आप इन सिग्नल्स को पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी वेबसाइट जरूर रैंक करेगी। व्हाट इज एवरेज बाउंस रेट, दोस्तों ये फेवरेट चीज है, सब लोग मेरे से पूछते हैं कि बाउंस रेट एवरेज कितना होता है, हमारी वेबसाइट का तो 80% आ रहा है। तो ये सारी चीजें घबराने वाली नहीं है, आप पहले इन चीजों को सुनिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे जो एवरेज बाउंस रेट है पूरी इंडस्ट्री का अक्रॉस द ग्लोब, वो 41 to 51% है। अगर आपका बाउंस रेट 10 से कम है और 90 से ज्यादा है, तो दोस्तों या तो जो भी गूगल एनालिटिक्स का कोड है वो गलत इंस्टॉल हुआ है, या फिर वहां पे कोई टेक्निकल एरर है जिस वजह से बाउंस रेट इतना कम या इतना ज्यादा आ रहा है। बीच की चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ तक कि अगर आपका बाउंस रेट 20 से भी कम है तो भी जो कोड आपने इंस्टॉल किया है, जो गूगल एनालिटिक्स आपने सेटअप किया है, वहां पे दिक्कत है। तो जो एवरेज बाउंस रेट है वो तो 41 से 51% के बीच है। और ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि जो इंडस्ट्री है वो किस कैटेगरी की है। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द ट्रैफिक सोर्स, ये ट्रैफिक सोर्स पे भी डिपेंड करता है। एग्जिट रेट इज डिफरेंट फ्रॉम बाउंस रेट, लोग एग्जिट रेट को बाउंस रेट से जोड़ के देखते हैं,
वो दोनों अलग अलग चीज है। एग्जिट रेट में क्या होता है दोस्तों, वो बाउंस रेट से अलग क्यों है? अगर किसी ने आपकी वेबसाइट पे पेज ए विजिट किया और वहां से वो पेज बी पे गया, अब पेज बी से वो पेज सी पे तो गया नहीं, उसने वहां से एग्जिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एग्जिट रेट। और बाउंस रेट में वो केवल और केवल एक पेज विजिट कर रहा है आपकी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको जो लेफ्ट हैंड पे इमेज दिखेगी, तो इसमें कुछ कैटेगरीज है इंडस्ट्री की, जैसे ई कॉमर्स एंड रिटेल, उनका जो बाउंस रेट है दोस्तों वो होता है 20-45% के बीच। तो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है या आप रिटेलिंग करते हैं थ्रू वेबसाइट, अगर आपका बाउंस रेट 50% से ऊपर है या फिर 20 से नीचे है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है, आपको उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, जो मैं अभी आपको इसी ट्यूटोरियल में बताऊंगा। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर जो होती है इंडस्ट्री, उनकी बात हो रही है, उनका जो बाउंस रेट है वो 25-55% के बीच है। जो लीड जनरेशन इंडस्ट्री है, जैसे लोन के लिए लीड जनरेट होती हैं, प्रॉपर्टी के लिए लीड जनरेट होती हैं, वो इंडस्ट्री जो ये काम करती हैं, उनका बाउंस रेट कितना है? 30-55%। नॉन कॉमर्शियल कंटेंट का 35-60%, लैंडिंग पेजेस का 60-90%, डिक्शनरीज ब्लॉग्स एंड पोर्टल्स का 65-90%। तो जो लोएस्ट होता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट का होता है, और जो हाईएस्ट होता है दोस्तों वो पोर्टल्स का होता है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वो इतना रुपया कैसे कमा लेती हैं। बहुत सारे सर्च वॉल्यूम में से जो उनके पास यूजर आते हैं, उनका बाउंस रेट बहुत कम होता है। ब्लॉग्स में जनरली बाउंस रेट ज्यादा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ब्लॉग्स पे कंटेंट ज्यादा होता है, तो जब आप ब्लॉग पढ़ लेते हैं, पूरा ब्लॉग आप एक ही पेज पर पढ़ लेते हैं और आप उसके बाद एग्जिट हो जाते हैं, इसलिए बाउंस रेट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ट्रैफिक सोर्स की, ये हाईएस्ट होता है डिस्प्ले एड के लिए, 56% का बाउंस रेट होता है डिस्प्ले एड्स के लिए, और लोएस्ट होता है ईमेल्स के लिए। तो दोस्तों जो लोग ये सोचते हैं कि ईमेल मार्केटिंग या ईमेल का जमाना नहीं है, तो वो गलत सोचते हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ईमेल मार्केटिंग का ही है अभी भी। ये जो 56% लिखा है मैंने हाईएस्ट डिस्प्ले एड्स के लिए, तो दोस्तों सोशल मीडिया का भी 50-55% के बीच आता है बाउंस रेट। डिस्प्ले एड्स का मतलब यह है, किसी भी यूजर ने आपका एड देखा, डिस्प्ले एड देखा, और वो आपकी वेबसाइट पे गया, फिर वो वहां से बाउंस हो जाएगा, इसका चांस कितना है? 56% का। अगर उसने ईमेल के थ्रू आपकी वेबसाइट विजिट करी है, तो जो चांस है बाउंस होने का वो 35% है, जो कि बहुत कम है। बाकी एग्जिट रेट के बारे में मैंने आपको पूरी बात बता दी। व्हाई डू यूजर बाउंस? सबसे पहली चीज, पेज डिड नॉट मीट इंटेंट। जो इंटेंट है यूजर की, उससे पेज, वेब पेज मीट नहीं हुआ, मतलब वो जो चाह रहा था कि उसको वो मिले, वो उसको वहां पे नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों पेज डिजाइन, आपकी वेबसाइट पर कंटेंट तो अच्छा लगा है, पर आपके पेज की डिजाइन उल्टी सीधी है, फॉन्ट स्टाइलिंग समझ में नहीं आ रही है, कहीं फॉन्ट बहुत बड़ा है, कहीं फॉन्ट बहुत छोटा है, टेक्स्ट का फॉन्ट कितना रखना है, 15-17 के बीच रखना होता है दोस्तों। वेबसाइट पे जो टेक्स्ट फॉन्ट होता है, जो कंटेंट हम लिखते हैं, वो हेडिंग आप देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल ही जाएगी इंटरनेट पे। तो जो पेज का डिजाइन होता है दोस्तों, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पेज का डिजाइन अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? यूजर बाउंस कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों बैड यूजर एक्सपीरियंस। तो बैड यूजर एक्सपीरियंस में भी कई सारी चीजें आती हैं दोस्तों। गूगल यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, और ड्वेल टाइम को भी वैल्यू देता है। एक ड्वेल टाइम भी एक अच्छा सिग्नल है। यूजर जितना ज्यादा टाइम वेबसाइट पर बिताएंगे, उतना यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी वेबसाइट के लिए। तो गूगल इस चीज को नोटिस करता है। तो यूजर एक्सपीरियंस आप कैसे बढ़ा सकते हैं? काफी सारी चीजें हैं उसमें, स्पीड है, कोर वेब वाइटल्स हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको पता लगेंगी। तो अगर बैड यूजर एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो बाउंस रेट बढ़ेगा। पेज गिव्स यूजर व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, मतलब जो यूजर को चाहिए था वो मिल गया। तो दोस्तों इसी वजह से कहा जाता है कि अगर 30-40% बाउंस रेट है आपकी वेबसाइट पे, तो वो हेल्दी बाउंस रेट है। 30-40% बाउंस रेट का मतलब ये है दोस्तों, 100 में से 30 लोग ऐसे थे, अगर 30% बाउंस रेट है, 30 लोग ऐसे थे जिन्हें वो इन्फॉर्मेशन उसी पेज पे मिल गई। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है ना, उसी पेज पे इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो वहां से एग्जिट कर गए। तो आपको ये नहीं करना है कि आपका बाउंस रेट 0% हो जाएगा। अगर आपका बाउंस रेट 0% है, तो टेक्निकल फॉल्ट है, तो गूगल एनालिटिक्स सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो जाए कि यूजर को पूरी की पूरी चीज वहीं पे मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव बाउंस रेट। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, आप ये कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, और आपका बाउंस रेट आप देख सकते हैं कि उतना ही हो जाएगा जितना आप चाहते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? एम्बेड यूट्यूब वीडियोज ऑन द पेज। दोस्तों ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब यूट्यूब वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको
अपने ही चैनल का डालना है, आप किसी और चैनल का भी डाल सकते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी और का कंटेंट क्यों प्रमोट करूं, आप वीडियोस डाल सकते हैं, इससे आपकी वेबसाइट पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये काम ही कर सकते हैं आप कि लोग उस पर एक्शन ले लेंगे। इंक्रीज लोडिंग स्पीड ऑफ वेबसाइट, ये यूजर एक्सपीरियंस के अंदर आएगा कि आप अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ाएं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इस चीज पे भी बात करूंगा मैं, जहां मैं आपको मोबाइल फ्रेंडलीनेस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। राइट एंड इररेजिस्टेबल इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन होता है ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है उनके लिए ज्यादा फायदेमंद चीज है। जो इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों वो 150 शब्द का या 150 से 250 शब्द का एक अच्छा पैराग्राफ जो हम लिखते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो इररेजिस्टेबल होना चाहिए, यानी लोग उसको पढ़ें। मेड सुपर इजी कंटेंट टू डाइजेस्ट, आप कंटेंट ऐसा लिखें जो पढ़ने में अच्छा हो। आप इंग्लिश की वोकैबुलरी के ऐसे कठिन शब्द उसमें नहीं डालने कि किसी भी यूजर को बार बार डिक्शनरी देखनी पड़ जाए। तो आप इस चीज से बचें और आप जो वर्ड्स हैं उनको इजी रखें जिन्हें समझने में लोगों को आसानी हो। सेटिस्फाई सर्च इंटेंट, जो भी यूजर आ रहा है आपकी वेबसाइट पे उसकी जो इंटेंट है उसको सेटिस्फाई करेंगे तो बाउंस रेट सही हो जाएगा। यूज एनालिटिक्स टू सी द पेजेस विच हैव हाई बाउंस रेट, तो लास्ट ट्यूटोरियल मैंने गूगल एनालिटिक्स पे बनाया था, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आपको ऐसे पेजेस देखने हैं दोस्तों जिनका बाउंस रेट बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपके वेबसाइट पे 10 पेज हैं, उनका लगभग 40, 45, 50 के आसपास बाउंस रेट है, लेकिन एक पेज का 80 बाउंस रेट है, तो उस पेज में दिक्कत होगी ना, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो सही है, उस पेज में अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको दूर करें। एड इंटरनल लिंक्स टू योर पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और इससे क्रॉलर्स को भी एक अच्छा सिग्नल जाता है कि वेबसाइट कितनी अच्छी लिंक है। इंटरनल लिंक तो आप उसमें एंकर टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं इंटरनल लिंकिंग के लिए, जैसे कॉन्टेक्ट अस पेज या फिर कोई और पेज भी आप लगा सकते हैं। आप इंटरनल लिंकिंग के लिए जो आप ब्लॉग्स लिखते हैं वो आप अपने वेब पेजेस पे शेयर कर सकते हैं, तो काफी सारे काम आप कर सकते हैं, यानी इंटरनल लिंक आपको लगाने हैं पेजेस पे। यूज टेबल ऑफ कंटेंट ऑन पेजेस, दोस्तों ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ये जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं वो करते हैं। नील पटेल भी अपनी वेबसाइट पर जो कंटेंट है उसकी टेबल को रखते हैं। दोस्तों उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आया और उसने ब्लॉग पढ़ा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, तो जो साइड बार होती है ना उसमें वो लिंक रहते हैं, जो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगी उसमें जो लिंक रहेंगे वहां लिखा आएगा फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो वो वहां से डायरेक्ट क्लिक करके पढ़ सकता है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए वो कुछ ईमेल से ही रिलेटेड पढ़ रहा है और उसको बगल में देखा ईमेल मार्केटिंग, तो यूजर उस पर क्लिक कर सकता है, तो ये आपके बाउंस रेट को सही करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। ऑप्टिमाइज मोबाइल यूजर एक्सपीरियंस, दोस्तों 98% जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे ही ओपन हो रही है आजकल, तो आपको जो मोबाइल का यूजर एक्सपीरियंस है उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप यूआई पे वर्क करें, यूजर इंटरफेस पे, और आप जो वेबसाइट है उसकी लोडिंग स्पीड का भी ध्यान रखें। यूज एक्सटर्नल लिंक्स, तो आप एक्सटर्नल लिंक्स का यूज करें, और जो बैकलिंक्स होते हैं बैकलिंक्स की बात करूंगा मैं जब ऑफ पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा। यूज एग्जिट इंटेंट पॉपअप्स, तो दोस्तों एग्जिट इंटेंट पॉपअप वो होता है जैसे ही कर्सर यूजर क्लोज बटन के पास लेके जाता है तो क्या होता है, एक पॉपअप उसके सामने आ जाता है, तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। अपडेट योर कंटेंट रेगुलरली, आप अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करें, ज्यादातर लोग हर 1.5 साल पे 2 साल पे कंटेंट को अपडेट करते हैं। यूटिलाइज एबी टेस्टिंग, तो आप सेम पेज बना सकते हैं दो और आप देख सकते हैं कि यूजर किस पे ज्यादा आ रहे हैं, और उसके बाद आप एक पेज को कैनोनिकलाइज कर दें और आप वहां से बाउंस रेट को सही कर सकते हैं। इंक्लूड कॉल टू एक्शन बटन इफ नेसेसरी, बुक नाउ, कॉल नाउ, साइन अप, कई भी सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। अवॉइड टेक्निकल एरर्स, तो दोस्तों टेक्निकल एरर्स नहीं आ रही, जैसे 404 पेज आ गया, URL नॉट फाउंड का पेज आ गया, मतलब कई सारे ऐसे एरर्स जो टेक्निकल की कैटेगरी में आते हैं वो आपकी वेबसाइट पर नहीं होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कंटेंट लोड ही नहीं होता है, इमेज लोड ही नहीं होती है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो जब हम कोर वेब वाइटल्स की बात करेंगे दोस्तों तो यूजर एक्सपीरियंस की और भी ज्यादा बात होगी, और खास तौर से मोबाइल के लिए। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे सिग्नल देने हैं सर्च इंजन को तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, ड्वेल टाइम, पोगो स्टिकिंग और बाउंस रेट। बाउंस रेट मैंने आपको बता दिया एवरेज कितना है और आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से देख सकते हैं। पोगो स्टिकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वेबसाइट पे, और जो तीसरी चीज है दोस्तों ड्वेल टाइम, तो वो आप जितना ज्यादा से ज्यादा रखेंगे वो उतना अच्छा होगा। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं।
आई होप बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और आपने जान लिया होगा कि बाउंस रेट और पोगो स्टिकिंग क्या होती है। अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।